नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज हम करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में रहा? थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेम अजीब ही है, पर पहले राज्यपाल कौन थे? श्री प्रभात कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? बिरसा मृग विहार, ऑप्शन नंबर बी। असुरा साइट्स झारखंड में पाई जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईचागढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो देखिए माइका यानी अभ्रक कोडरमा में पाई जाती है और झुमरी तलैया में, ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, झारखंड में तांबे की खदानों में झारखंड का स्थान कौन सा है? इसका आंसर ए दिया हुआ है, पहला स्थान, तो हम भी इसी के साथ चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क डैश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये बरही, धनबाद और गिरिडीह से गुजरती है जबकि रांची से नहीं गुजरती है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा प्रदान की है? तो अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो 3 हो गई है, बट ये बुक जब बना मतलब छपा उस समय 2 था, अभी वर्तमान समय में 3। तीसरी बार जो है हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन के बाद फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है। नेक्स्ट है, पलामू प्रमंडल किस वर्ष बना था? पलामू प्रमंडल 2 मई 1992 को। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसे नरीखंड कहा जाता था। किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था? तो देखिए प्रताप कर्ण जो है चुटिया को इसने बनाया था, लेकिन पूछा जा रहा चुटिया के स्थान पर खुखरा को किसने बनाया था, तो खुखरा को बनाया था भीमकर्ण। ठीक है, प्रताप राय ने क्या बनाया था? चुटिया। फिर इसके बाद चुटिया के स्थान पर चुटिया के स्थान पर खुखरा को बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे? तो सबसे पहले जो है जर्मनी के इस गोसनर मिशन जो है 1845 ईस्वी में रांची पहुंचे थे। ये जा रहे थे ढाका, लेकिन ये रांची आ गए थे जब इन्हें पता चला कि ढाका में पहले से ही कोई और जो क्या बोलते हैं मिशनरी पहुँच चुके हैं, तब ये रांची की ओर आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण रेखा बृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं बताती हूँ। देखिए स्वर्ण रेखा, सोना, स्वर्ण में सोन है, ठीक है, सोन नदी की हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। स्वर्ण रेखा में स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना होता है, वो वाला सोना। तो पांचों उंगली में देखिए सोना पहनने का बहुत सारे लोगों को शौक होता है, ठीक है, तो यहाँ भी सोना पहन रखा है, यहाँ भी। तो हमारे हाथों में कितनी उंगलियां होती है? 5 उंगलियां होती है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर, याद रखिए। तुर्की मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तुर्की मेला चाईबासा में। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2002 में। जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन। 15 का आंसर हो गया बी। कजली कब गाया जाता है? तो कजली का ट्रिक मैंने बताया था, वर्षा ऋतु में काजल खराब हो जाता है, तो ये वर्षा ऋतु में गाई जाती है। 1857 के महान क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे था? तो 1857 की क्रांति के समय इसका मुख्यालय रांची में था। 18वां है, सीएनटी एक्ट डैश वर्ष में पारित किया गया था? तो ये तो काफ़ी इजी है, सीएनटी एक्ट 1908 हम लोग बोलते ही रहते हैं, 1908 में। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, ये साहिबगंज में। सिंह भूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह और दूसरा में दर्प नारायण सिंह, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा दूसरी का शाखा, तो दूसरी शाखा का दर्प नारायण सिंह हो जाएगा और पहली शाखा काशीनाथ सिंह, ठीक है। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर है, तो ये बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पाकुड़ इसका आंसर है। महुआ दड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो महुआ दड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है लातेहार जिला में है और ये 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। रांची में पहली स्थायी लोक अदालत डैश में शुरू हुई थी, तो रांची में पहली स्थायी लोक अदालत 2002 में शुरू हुई थी। सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है सफा होड़ आंदोलन, मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया था,
इसका आंसर हो जाएगा लाल हेम्ब्रम यानी लाल बाबा। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? बिरसा सेवा दल का गठन हुआ था 1965 में। 1965 में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था भारत में, आप बताइए कौन सा युद्ध है, और उसी से रिलेट करके याद किया मैंने, तो आप भी वैसे ही याद करने की कोशिश कर सकते हैं। खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाग जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? पंचघाग जलप्रपात जो है खूंटी में है, और ये बनाई नदी, इसका संबंध कौन नदी से है? बनाई नदी से। 27वां है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था, भोगनाडी में सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो, ठीक है, ये चारों भाई बहन थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, ये चारों भाई, और इनकी दो बहनें थी फूलो और झानो, ठीक है। फूलो झानो के नाम से एक योजना भी चल रही है, आप बताइए कमेंट में कि वो योजना कब से चल रही है। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन 1837 में, ठीक है, 1837 में। नेक्स्ट है, अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन है, 1771 में। निम्नलिखित में से किससे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है? तो ये मुकुंद नायक को कहा जाता है। देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का कौन सा स्थान है? तो झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान 21वां, ठीक है, 21वां जो उच्च न्यायालय में इसका स्थान 21वां है। झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, संथाली, मुंडारी, नागपुरी हो और बहुत सारी, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 2001 में आया था, और झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत को अपनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? एक सेकंड फिर से पढ़ देती हूँ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? अच्छा, मतलब भूमि कर देने से मना किया गया था, तो यह हो जाएगा खरवार आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं, एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था? एल्युमिनियम 38, ठीक है, इस प्रकार से याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, एल्युमिनियम 38। सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? तो हरियाणा हो जाएगा इसका आंसर, नाम से ही लग रहा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है? तो झारखंड में लगभग 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, 109.76 के आसपास है, तो यानी कि 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनकर तैयार हुआ? तो काश्तकारी अधिनियम छोटा नागपुर का 1908 में लागू हुआ, जबकि बनकर ये 1903 में ही तैयार हो गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1903। नेक्स्ट है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का गठन कब हुआ था? JSSC का गठन कब हुआ था? तो JSSC का गठन 2008 में हुआ था, ठीक है, 2008। दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया? तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, 7/7/48, ठीक है, तो 7/7/48 यानी 7 जुलाई 1948। तो गाइस बस सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से 1% भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो उसमें शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।